वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीन। यहाँ पर एक मैच हो रहा है फुटबॉल प्रीमियर लीग का, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल के बीच पूरे 9 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो अगर मैं बात करूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल की, तो यूनाइटेड टीम इतनी अभी खास प्रदर्शन नहीं कर रही, और जो थोड़े बहुत मैच जीत भी रही है वो ब्रूनो फर्नांडिस की बदौलत जीत रही है, मैं साफ बताऊँगा। क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस होता है ऐसा प्लेयर है जो हर मैच में चलता है, एक उसकी बहुत ना कंसिस्टेंसी से खेलता है। मतलब ऐसा नहीं कि 10 मैच में किसी 2 में चल गए, नहीं, अगर वो 10 मैच खेलता है तो कम से कम 8-9 मैच में कुछ ना कुछ करके जाता है, असिस्ट गोल वगैरह। तो इसलिए मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक प्लेयर को बहुत ही पसंद करता हूँ, और आर्सेनल टीम के तो सारे प्लेयर इन फॉर्म है। इनके 5 मेन प्लेयर हैं जिसमें से आई थिंक 2 स्ट्राइकर 3 मिडफील्डर, और वो तीनों 5 जरूरी हैं। 2 डिफेंडर भले लेने पड़े लो, लेकिन उन 5 को मत छोड़ना। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, देखिए भाई स्ट्राइकिंग सेक्शन में मैं हैवर्ट्स को लूँगा, के हैवर्ट्स इज़ अ गुड प्लेयर। काई हैवर्ट्स बहुत अमेजिंग खेलता है, जबकि जीसस इतना अभी मेरे को खास नहीं लगता। जीसस पहले उसमें था, क्या बोलते हैं, अपना प्रीमियर लीग की दूसरी टीम में खेलता था, मैं कोई नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक किस में था गैब्रियल जीसस, मैं दिमाग से निकल गया, आई थिंक यूनाइटेड में या सिटी में, पता नहीं कहाँ था, सिटी में आई थिंक, तो गैब्रियल जीसस वहाँ था, लेकिन उतना अच्छा मुझे अब लगा नहीं इसका प्रदर्शन। इसलिए मैं तो आपको राय दूंगा कि अगर आपने कोई भी आर्सेनल का प्लेयर लेना तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि मार्टिनेली भी अब उतना बेटर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। और बात कही अगर करें मिडफील्डिंग की, तो यहाँ पर एम ओडेगार्ड, बी साका एंड डेक्लेन राइस, इनको मैंने लिया, और साथ ही साथ मैंने पिछले मैच में एल्ट्रोसर्ट को लिया था। एल्ट्रोसर्ट ने उस मैच के अंदर एक गोल किया था, लेकिन आज अगर जैसे आप ब्रूनो फर्नांडिस को पिक करते हो तो आपको गर्नाचो भी लेना पड़ेगा। आप गर्नाचो को आज ड्रॉप आउट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मैंने इस मैच में एस मैक्टोमिने का जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है जिस प्लेयर को हम ले नहीं सकते उसके बारे में बात करना बेकार है। असल में मैं ट्रोसार्ड को लेना चाहता था, इसको मैं प्लेयर को लेना चाहता हूँ, लेकिन रीज़न है कि भाई हम उसको पिक कैसे करें, क्योंकि गर्नाचो के बदले उसको लेना यार वो तो कोई सही चीज़ नहीं लग रही। सो आज हमें 5 को छोड़ के 4 के साथ ही जाना पड़ेगा। एंड स्ट्राइकिंग की बात करें तो रैशफोर्ड का तो ऐसे थे कि रैशफोर्ड तो खेल नहीं रहा, रैसमस खेल रहा है, अच्छा नहीं खेल रहा, सिर्फ खेल रहा है। और एंटोनी की बात करूँ, हाँ एंटोनी भी हर मैच खेल रहा है, और एंटोनी ने 27 अप्रैल को मेरे लिए तो ये मेरा MVP था। हर मैच में इसने हर मैच में कुछ ना कुछ करने की कोशिश रहती है इसकी, और करता भी है, और कई बार तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेल जाता है। एंड बात करें डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग के अंदर यहाँ पर देखिए बी वाइट हो गया, मैगलेस हो गया, आप लो, क्योंकि आपको आर्सेनल की बहुत ज़रूरी है डिफेंडिंग, मैगलेस को भी लो। डब्ल्यू सलीबा को ऐसा है कि डब्ल्यू सलीबा और अपना ज़िनचेको अगर खेला तो इनमें से आप कंपेयर कर सकते हो। और अगर आपने ऑपोजिशन टीम की, मैक्सिमम टीम इंजर्ड है, विक्टर लिंडलॉफ इंजर्ड है, एल मार्टिनेज इंजर्ड है, एच मैग्यूर इंजर्ड है, आर वरेन इंजर्ड है, ल्यूक शॉ इंजर्ड है, तो पूरी टीम इंजर्ड है, अकेला डियोगो डायलट ही है जो इस सिचुएशन में खेल रहा है, और अकेला वो कुछ कर नहीं पाएगा। सो आई एम गोइंग विद विलियम सलीबा। एंड बात करें गोलकीपिंग की, देन ओ यहाँ पर एंड्रे ओनाना के साथ यहाँ पर हम जाएंगे, तो लेट्स सी ओ कैसे खेलता है ए ओनाना। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है साका, वाइस कैप्टन सबका तो देखो ब्रूनो ही है, मुझे पता है कि ब्रूनो सेफ है, मेरे को इतना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तो रिस्क लेने के चक्कर में था एम ओडेगार्ड के साथ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अब मैंने 2 टीम क्रिएट की थी, एक में मेरा वाइस कैप्टन ये था ब्रूनो, और एक में ओडेगार्ड। मान लीजिए ब्रूनो नहीं खेलता तो आप रख सकते हो ओडेगार्ड को, अभी तो मैं कहूँगा ब्रूनो को रखो। तो ये मेरी टीम है, सेफ टीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।